तो अपना उत्तर प्रदेश बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीएम योगी के अयोध्या आगमन को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। बता दें, पिछले साल 5 अगस्त को ही अयोध्या में पीएम मोदी ने भव्य और ऐतिहासिक राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन किया था। तो पीएम के इस भूमि पूजन का एक साल पूरा होने जा रहा है। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 5 अगस्त को अयोध्या के दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले श्री रामलला का दर्शन करेंगे, साथ ही राम मंदिर निर्माण में चल रहे कामों का जायजा भी लेंगे। इसके बाद हनुमानगढ़ी में भी दर्शन पूजन का कार्यक्रम है। अयोध्या के एक दिन के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पर अन्न महोत्सव के लाभार्थियों को अनाज भी बांटेंगे। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अवनीश हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवनीश, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है, किस तरीके की तैयारियां देखने को मिल रही है? सीएम योगी आदित्यनाथ 5 अगस्त को रामलला के दर पर पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल रामलला के दर्शन करेंगे और मंदिर निर्माण के जिस शिलान्यास कार्यक्रम हुआ था उसका एक वर्ष पूरा हो चुका है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसको बड़ी उपलब्धि बताया और इसी मौके पर वो अयोध्या पहुंच रहे हैं और अयोध्या में विशेष तौर पर जितने भी धार्मिक अनुष्ठान है वो किए जाने हैं, जिसमें सबसे पहले वो भगवान रामलला के सामने कलश स्थापना करेंगे, उसके बाद भगवान को 56 व्यंजनों का भोग देंगे और प्रसाद वितरण का कार्यक्रम रखा गया है। तो साफ तौर पर है कि एक अहम दिन है, ऐतिहासिक दिन है और उसी को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पिछले दिनों भी मंच से लगातार कहते आ रहे हैं कि 5 अगस्त का जो दिन होता है वो कितना महत्वपूर्ण दिन है उत्तर प्रदेश के लिए। ऐसे में वो साफ तौर पर है कि अयोध्या जब पहुंचेंगे तो अयोध्या में जब रामलला के दर्शन करेंगे, हनुमानगढ़ी के दर्शन करेंगे, तो एक बड़ा संदेश भी देने की कोशिश करेंगे और उसी दिन तय करेंगे कि अयोध्या का जो विकास की परियोजनाएं हैं उसमें कितनी तेजी लाई गई है और जो राम मंदिर बनाया जा रहा है उसमें कितनी तेजी लाई जाएगी और किस तरीके से वह एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल बनाया जाएगा। उसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो दूसरा सबसे अहम कार्यक्रम है उसमें है अन्न महोत्सव के कार्यक्रम में वो हिस्सा लेंगे। तमाम जो कमजोर वर्ग के लोग होंगे, जो गरीब राशन कार्ड होल्डर है, उनके विशेष झोले में मुफ्त राशन उपलब्ध करवाया जाएगा और इस विशेष झोले को बनाया गया है। इस विशेष झोले पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर होगी और किस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने और केंद्र सरकार ने अपनी तरफ से गरीबों को मुफ्त राशन वितरण का कार्यक्रम रखा था और अब तक कितना राशन दिया जा चुका है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं उसका बखान करेंगे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल अयोध्या में रहेंगे और अयोध्या में कहीं ना कहीं अयोध्या के बहाने एक बड़ा संदेश देने की कोशिश करेंगे और राम मंदिर निर्माण के शिलान्यास के पहली वर्षगांठ है उसमें शामिल होंगे। उसके बाद अन्न महोत्सव में शामिल होंगे और पूरी तरह जो गरीबों को योजनाएं दी जा रही हैं, जो जनता को योजनाएं दी जा रही हैं, उसके बारे में बखान करेंगे और किस तरीके से विश्व के मानचित्र पे अयोध्या का एक बेहतर तरीके से जो पर्यटन का धार्मिक स्थल है वह उसका बखान करेंगे कि किस तरीके से अयोध्या को अभी विकास के रास्ते पर आगे ले जाया जा रहा है। जी अवनीश, वहीं बात की जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूमि पूजन किया था राम मंदिर निर्माण कार्य का और अब उसे एक साल पूरा हो रहा है, उसको लेकर भी क्या किसी तरह का कोई खास कार्यक्रम वहां पर रखा गया है? क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ तो वहां पर पहुंच ही रहे हैं, रामलला के दर्शन भी वो करेंगे और तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उनका जायजा लेते हुए भी नजर आएंगे। जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री के आगमन से पहले ही तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल करीब 10 बजे के आसपास वो अयोध्या पहुंचेंगे और अयोध्या पहुंचने के बाद वो सबसे पहले रामलला के दर्शन करेंगे और रामलला के दर्शन करने के साथ ही तमाम जो धार्मिक अनुष्ठान होते हैं उसके कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो स्वाभाविक सी बात है कि वहाँ पे 56 भोग का आयोजन भी किया गया है, प्रसाद वितरण का आयोजन किया गया है। वहीं अगर बात करें तो रामलला के दर्शन वो करेंगे, उसके बाद कहीं ना कहीं ये भी देने की कोशिश करेंगे कि राम मंदिर का जो मुद्दा है वो कितना महत्वपूर्ण था और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मंदिर निर्माण का कार्य तेजी में आगे बढ़ाया है और तमाम विकास परियोजनाओं को आगे रखते हुए राम मंदिर का निर्माण कब तक पूरा हो जाएगा इसके बारे में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बताएंगे। क्योंकि पिछले दिनों ही लगातार देखने को मिला था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अयोध्या का जो पूरा रोडमैप है उसको लेकर क्या कुछ विकास की परियोजनाएं हैं उसको लेकर समीक्षा बैठक की थी और समीक्षा बैठक में सारे जितने भी तथ्य हैं उनको रखा गया था, जितने भी विकास की परियोजनाएं चला जा रही हैं उनको सामने रखा गया था और साफ तौर पर निर्देश जारी किया गया है कि अयोध्या का विकास पूरी तरह होना चाहिए। जैसे अयोध्या को धार्मिक नगरी के रूप में एक विश्व के मानचित्र पर विश्व के पटल पे रखना है और उसका प्रचार प्रसार भी तेजी से करना है ताकि देश विदेश से लोग राम मंदिर का निर्माण होने के बाद रामलला के दर्शन करने को पहुंचे। जी अवनीश, वहीं अगर बात की जाए अन्न महोत्सव के लाभार्थियों को भी अनाज वितरित करने का कार्यक्रम यहां पर रखा गया है, उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं? और लगातार देखने को मिल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो विकास के कार्य हैं उनमें तेजी यहां पर लाई गई है। 2022 में विधानसभा चुनाव भी हैं और उसके लिहाज से भी जो चुनावी तैयारियां हैं वो भी बहुत ज्यादा अग्रसर हैं, उनको लेकर भी सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार सक्रिय नजर आते हैं और उसी कड़ी में अन्न महोत्सव के लाभार्थियों को भी यहाँ पर अनाज वितरित करने का कार्यक्रम रखा गया है, उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं?
जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है, और साफ तौर पे देखा जाए अगर पिछले दिनों तो कोरोना काल की जब शुरुआत हुई थी तभी से केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने गरीबों को मुफ्त राशन देने की व्यवस्था की थी। अब क्योंकि विधानसभा चुनाव भी सामने है, तो ऐसे में विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरीके से पूरी रूपरेखा खींची गई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि अन्न महोत्सव 5 अगस्त को मनाया जाएगा, क्योंकि उसी दिन अगर देखा जाए तो धारा 370 भी हटाया गया था, उसके बाद राम मंदिर का जो भूमि पूजन था वो भी 5 अगस्त हुआ था। तो साफ तौर पर है कि इस ऐतिहासिक क्षण से कहीं ना कहीं गरीबों को बड़ी सौगात देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने ये कार्यक्रम रखा है। भारतीय जनता पार्टी के संगठन की ओर से ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है, और अयोध्या में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तमाम लाभार्थियों से मिलेंगे, उनको झोला में वो राशन देंगे, और वो विशेष झोला होगा, उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर लगी होगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगी होगी, एक संदेश देने की पूरी कोशिश होगी। और जो भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है अंत्योदय तक पहुंचना, उसका कहीं ना कहीं एक लक्ष्य पूरा करने का काम किया जाएगा। तो ऐसे में माना जा रहा है कि काफी ऐतिहासिक क्षण होगा, और विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपने 3 महीने का एक विस्तृत कार्यक्रम रखा है, जिसमें तमाम जो सेवा कार्य से जुड़े हुए अभियान है उनको बढ़ाया जाना है, उसको आज जारी कर दिया गया है। तो तमाम जो अलग अलग जनपद हैं वहाँ पे भी इस कार्यक्रम को किया जाएगा, तो वहाँ पे तमाम जो प्रभारी मंत्री होंगे, सांसद होंगे, विधायक होंगे, वो उस कार्यक्रम में मौजूद होंगे, और अयोध्या में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद होंगे, और जितने भी लाभार्थी होंगे उनसे वो संवाद भी करेंगे और एक संदेश देंगे कि किस तरीके से अंत्योदय तक पहुंचने के लिए, अंत्योदय तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तमाम जो योजनाएं हैं वो पहुंचाने के लिए सरकार ने क्या कुछ काम किया है, क्या कुछ योजनाएं लाई गई हैं, उसका लाभ कितना लोगों को मिल रहा है। जी चलिए अवनीश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।